दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले जो वीडियो हुए थे उसमें एंगुलर चैप्टर जो है आपका, उसमें एंगल गेजेस, साइन बार, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, किलोमीटर, ये सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा। आज का जो टॉपिक है आप उस टॉपिक में देखना है एंगल डेकर। एंगल डेकर बेसिकली क्या है वो पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की तरफ जाते हैं। कि जैसे कंपैरेटर देखे थे, कंपैरेटर मतलब क्या, कंपैरेटर कंपेयर करता है एक स्टैंडर्ड को दूसरे आपके वर्क पीस के साथ। तो ये एंगल डेकर भी क्या है, एक एंगुलर कंपैरेटर जो क्या करता है, आपका वर्क पीस जो है वर्क पीस को एक एंगल गेजेस के साथ कंपेयर करके आपको एंगल बताता है कि इसका एंगल कितना है या ये कितना टिल्ट हुआ है, इतना बताता है। अभी इसमें क्या है कि वो आपको आपका जो वर्कपीस रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों प्लेन में वो क्या करता है, वो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो बताता है। ये बाय इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये कंपैरिजन के मेथड से क्या करता है, काम करता है। तो इसका अभी मेन क्या है देखते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं फिर उसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि इसका वर्किंग का डायग्राम है, फिर यहाँ पे स्केल मैंने आपको बताया है कि आपको वर्किंग बताने के लिए। तो पहले यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स है। यहाँ पे एक लैम्प है, प्रिज्म है, फिर यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्टिव कोलिमिटिंग लेंस है, यहाँ पे ये वर्क पीस है। यहाँ पे एक ग्लास स्क्रीन है, एक ग्लास स्क्रीन के ऊपर एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल स्केल मार्किंग करे किया वाला रहेगा। ये जो है ये स्केल क्या होता है, यहाँ पे इनग्रेविंग किया है, जो आपके ये जो आईपीस है, आईपीस से आपने अगर उसको देखा तो ये कंटिन्यू आपको विजिबल रहेगा। लेकिन ये जो वर्टिकल स्केल है, ये वर्टिकल स्केल कब विजिबल होगा आपको, जब आप लैम्प ऑन करोगे तो ही ये क्या होगा, आपको स्केल विजिबल रहेगा। इतना इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको क्या करना पड़ता है, कभी भी मेजरमेंट करना है तो आपको यहाँ पे जॉब रखना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे स्केल दिखते हैं, ऐसे इसका मतलब वर्किंग है। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि बेसिकली ये जो माइक्रोपीस आईपीस है और ये जो कोलिमिटिंग लेंस है, ये दोनों क्या है, एक फोकल लेंथ के बीच में उसको रखे वाला है। अभी क्या होता है, जब आप लैम्प्स ऑन करोगे तो ऑन से जो बीम ऑन करने के बाद जो आपका लाइट बीम निकलेगा वो क्या होगा, प्रिज्म से फिर आपके जो कोलिमिटिंग लेंस है वहाँ पे जाएगा, फिर आपका जो वर्कपीस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर जाके फिर वापस कोलिमिटिंग लेंस से वो क्या होगा, एक बीम पैरेलल बीम बनाएगा जो क्या रहेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल है आपकी, हॉरिजॉन्टल स्केल को क्या करेगा, वो नॉर्मल में कट करेगा। नॉर्मल में मतलब ऐसे कट करेगा, तो आपको ये क्या होगा, आईपीस में आपको वो दिखेगा, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो आपको दिखेगा। अभी ये स्केल का वर्किंग बताता हूँ, वर्किंग कैसे होती है। अभी कंसिडर करो ये वर्कपीस है मेरा, ये वर्कपीस का जितना एंगल रहेगा उतना क्या करूँगा मैं, एक एंगुलर सेट बना के, एंगुलर मतलब एंगल प्लेट जो रहते हैं उनका सेट बना के मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे नीचे रखूँगा। नीचे रखने के बाद फिर लाइट ऑन करने के बाद मैं क्या करूँगा, आईपीस से ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल स्केल है ये तो फिक्स स्केल है, उसके बाद ये जो वर्टिकल इल्यूमिनेटेड स्केल है मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे एडजस्ट करूँगा कि रीडिंग क्या आनी चाहिए मेरी, मतलब उसको मैं 0-0 कर लूँगा। ये दोनों जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्केल है उनको 0-0 रीडिंग कर लूँगा। फिर ये जो नीचे का जो एंगल प्लेट रहेंगे, मतलब एंगल गेजेस में, उसको निकाल दूँगा और वापस वहाँ पे क्या करूँगा, एक स्ट्रेट एज रखूँगा। यहाँ पे स्ट्रेट एज क्यों रखना है, क्योंकि मुझे देखना है अगर मैं ये निकालते टाइम मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं आया है, इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, वापस यहाँ पे स्ट्रेट एज रखूँगा और वापस देखूँगा कि मेरा रीडिंग 0-0 है या नहीं। फिर स्ट्रेट एज निकाल के मैं क्या करूँगा, जो मेरा एक्चुअल जॉब रहेगा वो क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। फिर ऊपर से जब मैं आईपीस से देखूँगा, आईपीस से देखने के बाद अगर मेरा क्या होता है, ये रीडिंग 0-0 नहीं है, वो क्या हुआ है, टिल्ट हुआ है, मतलब ये लाइन एक्चुअली यहाँ पे रहनी चाहिए थी, वो क्या हो गई, यहाँ से यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट हो गई, तो वो जो डेविएशन रहेगा, जो लाइंस का जो डेविएशन रहेगा वो क्या करना है, आपको एंगल में कन्वर्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपका जॉब जो है वो कितना डेविएट हुआ है। ये ऐसे इसका वर्किंग था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।